तो चलिए अब हम सबसे पहले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो चौथा टॉपिक था वो है हठ योगा टेक्स्ट, इसको हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है आपका चौथा टॉपिक, दैट इज हठ योगा टेक्स्ट। इसके अंदर काफी सारे सब टॉपिक हैं। तो अभी हम जो सबसे पहला सब टॉपिक लेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू हठ योगा एंड हठ योगा टेक्स्ट। जैसे मैं बता चुका हूँ हठ योगा के अंदर काफी सारे टेक्स्ट आते हैं, तो जब हम टॉपिक करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो अभी सब सिर्फ हम ये इंट्रोडक्शन टू हठ योगा वाला टॉपिक को हम लेंगे। तो टॉपिक हम ले रहे हैं एंड नॉट जस्ट इंट्रोडक्शन टू हठ योगा एंड हठ योगा टेक्स्ट, पर्टिकुलरली हम टॉपिक ले रहे हैं हठ योग प्रदीपिका। तो जैसे मैंने बताया डिफरेंट टेक्स्ट है, उसमें हठ योग प्रदीपिका टेक्स्ट है उसको हम ले रहे हैं। तो टॉपिक है हमारा सबसे पहला हठ योग प्रदीपिका, ये वन ऑफ द हठा टेक्स्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू हठ योगा एंड हठ योगा टेक्स्ट। तो सबसे पहला पॉइंट है हठ योग प्रदीपिका बाय योगी स्वात्मा रामा। तो हठ योगा टेक्स्ट के अंदर जो हठ योग प्रदीपिका है वो लिखी है योगी स्वात्मा राम ने। सेकेंड पॉइंट है हठ योग प्रदीपिका एंड अदर हठ योगा टेक्स्ट। तो और कौन कौन से हठ योगा टेक्स्ट हैं? तो सबसे पहला है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, इसके अलावा है हठ प्रदीपिका जो हम कर ही रहे हैं, फिर घेरण संहिता, हठ रत्नावली, शिव संहिता। तो ये सारे डिफरेंट हठ योगा के टेक्स्ट हैं। अब ये जो हठ योगा के टेक्स्ट है वो कंसीडर किया जाता है कि ये लिखे गए हैं 6th and 15th century के बीच में, 6th and 15th century AD। तो इस बीच में ये सारे हठ योगा के टेक्स्ट लिखे गए हैं। थर्ड पॉइंट है माइनर रेफरेंस टू हठ योगा। अब हठ योगा के रेफरेंस हमें कहां कहां देखने को मिलते हैं इसको हम जान लेते हैं। इट इज गिवन इन उपनिषद एंड पुराण। तो आपको हठ योगा का जो रेफरेंस है वो उपनिषद और पुराणों में भी देखने को मिल जाएगा। जो उपनिषद है वो दे डेट बैक अर्लियर देन बुद्धिस्ट पीरियड। तो जो बुद्धिस्ट पीरियड है वो 6th century BC में था, तो उपनिषद उससे भी पुराने हैं। और क्योंकि हठ योगा का रेफरेंस हमें उपनिषद में देखने को मिलता है, तो हम ये मान सकते हैं कि हठ योगा की जो नॉलेज है वो उपनिषद से भी पहले की है। अब हम आते हैं सेकंड रेफरेंस के ऊपर। सम रेफरेंस आर देयर इन श्रीमद भागवतम। जो श्रीमद भागवतम है इट इज अ कलेक्शन ऑफ कृष्णा स्टोरी। इसमें आपको कृष्ण की स्टोरीज आपको मिल जाएंगी। तो इसी में हठ योगा के कुछ रेफरेंसेस प्रोवाइड किए गए हैं। थर्ड पॉइंट है सम रेफरेंस और द सम एविडेंस ऑफ हठ योगा आर फाउंड इन प्री कोलंबियन कल्चर ऑफ अमेरिका। अमेरिका का जो प्री कोलंबियन कल्चर था उसमें भी हठ योगा के एविडेंस मिले हैं, और काफी लार्ज स्टोन्स हैं और जो कार्विंग्स हैं उसमें हठ योगा की प्रैक्टिसेस देखी गई हैं। कार्विंग्स का मतलब होता है दीवार पे या चट्टानों पे कार्व करके हमने इमेजेस बनाई है, उसको कार्विंग कहते हैं। तो काफी सारे स्टोन स्टैचूज मिले हैं, कार्विंग्स मिली हैं हठ योगा प्रैक्टिसेस की, वो मिली है सेंट अगस्टिन में। सेंट अगस्टिन एक प्रोविंस है कोलंबिया का, और कोलंबिया है आपका साउथ अमेरिका में। तो ये कुछ माइनर रेफरेंसेस हैं कि हठ योगा हमें कहाँ कहाँ देखने को मिली है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है। ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट है इसमें हम बेसिकली बुद्धिज्म के बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे कि कैसे बुद्धिज्म के बाद से हठ योगा चालू हुआ था। बाय 6th century BC टू ग्रेट मैन वर बॉर्न। तो सबसे पहला है तो 6th century BC में दो मेन पर्सन थे। सबसे पहले हैं सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ गौतम को हम गौतम बुद्ध के नाम से भी बेहतर जानते हैं, इन्होंने ही बुद्धिज्म को स्टार्ट किया था। सेकंड है वर्धमान। वर्धमान को हम बेहतर तरीके से जानते हैं महावीर। महावीर इन्होंने जैनिज्म स्टार्ट किया था, और महावीर जैनिज्म जैन के 24वें तीर्थंकर थे। तो इनका रियल नेम था वर्धमान। तो अभी जैसे हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि उपनिषद जो है वो बुद्धिस्ट के टाइम पीरियड से भी पहले थे, और बुद्धिस्ट का टाइम पीरियड था 6th century BC। तो यही पॉइंट हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। 6th century BC में बुद्धिज्म था, और बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों साथ साथ ही थे।
बोथ बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों सीवियर ऑस्टेरिटी फॉलो करते थे, दोनों की जो मान्यता थी वो नॉन वायलेंस के ऊपर थी, अहिंसा के ऊपर थी। पर्टिकुलरली बुद्धिज्म के ऊपर बात करेंगे, बुद्धा के ऊपर बात करेंगे। बुद्धा फॉर्मुलेटेड द टीचिंग, जो बुद्धा की जो मेन टीचिंग थी इट इज फोर नोबल ट्रूथ। तो बुद्धिज्म फोकस करता है चार आर्य सत्यों के ऊपर, तो ये मेन टीचिंग थी बुद्धा की। और टू ऑफ द बुद्धा सिस्टम बिकेम वाइडली फेमस, दो दो टाइप की मेडिटेशन बुद्धा की काफी फेमस है। सबसे पहला है विपश्यना और दूसरा है आनापानासति। ये दोनों ही मेडिटेशन के फॉर्म है। दीज आर द मेथड ऑफ कंटेम्पलेशन। तो बुद्धा ने इन्हीं को बेसिक फाउंडेशन मानकर एक पाथ बनाया था जिसको हम कहते हैं अष्टांग मार्ग ऑफ बुद्धा, या फिर एट फोल्ड मेथड और एट फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धा। अब हम थोड़ा और डिटेल में जाते हैं इस बुद्धिज्म के ऊपर। टीचिंग ऑफ बुद्धा बिकेम मेन फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो जो बुद्धिज्म है, बुद्धा की जो प्रैक्टिस है वो मेन फॉर्म थी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की। बट जो प्रिपरेटरी प्रैक्टिसेस थी वो इग्नोर कर दी गई थी, और एथिक्स के ऊपर और मोरालिटी के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया गया था। जो इंडियंस हैं वो बिलीव करते हैं कि मेडिटेशन हाईएस्ट पाथ है, बट वो साथ ही साथ ये भी बिलीव करते हैं कि यू कैन नॉट डू मेडिटेशन डायरेक्टली, आपको कुछ प्रिपरेटरी प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो प्रिपरेटरी प्रैक्टिसेस मस्ट, इसी वजह से शायद बुद्धिज्म उतना छाप नहीं छोड़ पाया इंडिया पे। अब हम देख लेते हैं कि बुद्धिज्म की काफी ट्रेडिशन बनी थी, कौन कौन सी वो ट्रेडिशन है। उसके बाद हम हठ योगा कैसे स्टार्ट हुआ उसको हम जानेंगे। तो बुद्धिस्ट की कुछ ट्रेडिशन है। सबसे पहली जो बुद्धिस्ट की ट्रेडिशन है वो है नालंदा इन बिहार। तो नालंदा एक यूनिवर्सिटी है बिहार में, ये बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को फॉलो करती है, और ये डिवोटेड है हीनायाना सिस्टम के ऊपर। हीनायाना सिस्टम का मतलब है, हीनायाना का मतलब है नैरो पाथ, और ऑर्थोडॉक्स बुद्धिस्ट सिस्टम। तो ये जो नालंदा है जो हीनायाना सिस्टम फॉलो करती है ये ऑर्थोडॉक्स है, मतलब जो बुद्धा की एक्चुअल टीचिंग थी उसी पे ही ये फोकस करते हैं, और किसी चीज को वो नहीं मानते। इसलिए ये है हीनायाना सिस्टम, नैरो पाथ, या फिर ऑर्थोडॉक्स बुद्धिस्ट सिस्टम। इसके अलावा एक और बुद्धिस्ट सिस्टम है जिसका नाम है जो है विक्रमशिला, जो बिहार में है। तो बिहार में एक जगह है मुंगेर, वहीं से अगर हम ईस्ट में जाएं 8 मील दूर तो वहां पे है विक्रमशिला। ये डिवोटेड है महायाना ट्रेडिशन के ऊपर। जैसे यहाँ पे थी हीनायाना, जैसे नालंदा बिहार में हीनायाना सिस्टम पे डिवोटेड है, उसी तरीके से विक्रमशिला बिहार में महायाना ट्रेडिशन के ऊपर बेस्ड है। महायाना का मतलब है ग्रेट पाथ, मतलब नॉन ऑर्थोडॉक्स बुद्धिस्ट सिस्टम। इनको हम लिबरल या फिर ओपन माइंडेड बुद्धिस्ट भी कहते हैं। तो ये कोई ऑर्थोडॉक्स फॉलो नहीं करते हैं, ये और भी डिफरेंट टीचिंग को भी फॉलो करते हैं, इसीलिए इनको ओपन माइंडेड बुद्धिस्ट भी कहा जाता है। तो ये ट्रेडिशन है महायाना सिस्टम। अब ये जो महायाना ट्रेडिशन है, महायाना सिस्टम है, ये तंत्र को भी इंक्लूड करता है। इसी वजह से ये जो विक्रमशिला है इसे दो सेक्ट्स में, दो हिस्सों में बांट दिया गया है। सबसे पहला है सहज याना, दैट इज द स्पॉन्टेनियस वे, जो लिबरल बुद्धिस्ट पाथ को फॉलो करते हैं, नॉन ऑर्थोडॉक्स बुद्धिस्ट पाथ को वो फॉलो करते हैं, ये है सहज याना। दूसरा है वज्रायना। वज्रायना ये भी नॉन ऑर्थोडॉक्स बुद्धिस्ट हैं, बट ये सेक्सुअल मैटर को भी इंक्लूड करते हैं, मेन एंड वुमेन के जो सेक्सुअल मैटर है उसको भी ये इंक्लूड करते हैं। तो ये दो संप्रदाय हैं, या ये दो सेक्ट्स हैं विक्रमशिला के महायाना ट्रेडिशन के। आफ्टर 500 ईयर्स, 500 साल बाद, जो बुद्धिज्म की जो पॉपुलैरिटी थी, जो इन्फ्लुएंस था, वो धीरे धीरे कम होने लग गया। इसी तरीके से जो तंत्र तंत्र के जो सेक्ट्स हैं और जो प्रैक्टिस है वो भी डिक्लाइन होने लग गए। इसी वजह से बुद्धिज्म इतना प्रभाव नहीं छोड़ पाया इंडिया के ऊपर। और इस टाइम पीरियड पे योगीज ने कोशिश की कि वो साइंस, योगा की जो साइंस है उसको वो बाहर लेकर आए, और जो तांत्रिक सिस्टम है उसको वो प्योरीफाई कर पाए। तो उन्होंने तंत्र के अंदर से हठ योगा और राज योगा दोनों को सेपरेट कर दिया।
राजयोगा का मतलब है हायर मेडिटेटिव प्रैक्टिस, हठ योगा का मतलब है प्रिपरेटरी प्रैक्टिस, ऐसी प्रिपरेटरी प्रैक्टिस कि आप हायर मेडिटेशन तक आप आगे बढ़ पाओ। तो उन्होंने तंत्र को दो हिस्सों में बांट दिया, हठ योग एंड राजयोगा। तो इन योगीज ने जो यूजफुल चीजें हैं, प्रैक्टिकल चीजें हैं, जो नोबल चीजें हैं तांत्रिक सिस्टम में, उन्हीं को ही इन्होंने यूज किया है। और इस तरीके से हठ योगा का सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ। उनकी ये मान्यता है कि हायर मेडिटेशन पे जाने से पहले आपको प्रिपरेटरी प्रैक्टिस करनी है, उन योगीज का ऐसे मानना था। इन्हीं प्रिपरेटरी प्रैक्टिस को हम कहते हैं हठ योगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस वन ऑफ द योगी, जो मेन योगी है वो है योगी मसेंद्रनाथ। इन्होंने नाथ कल्ट को फॉर्म किया था। अब ये जो मसेंद्रनाथ है, इन्हीं के नाम पर इनके नाम पे आसन भी बना है, जिसको हम कहते हैं मसेंद्र आसन, अर्ध मसेंद्र आसन या पूर्ण मसेंद्र आसन हम कहते हैं। तो योगी मसेंद्रनाथ ने नाथ कल्ट फॉर्म किया था। इनका ये मानना था कि अगर हम हायर प्रैक्टिस पे जाएं, हायर मेडिटेशन करें, उससे पहले हमारे बॉडी की क्लीनिंग जरूरी है और उसके जो एलिमेंट्स हैं, उसके जो धातु हैं, उनकी क्लीनिंग इंपॉर्टेंट है। तो दे बिलीव प्योरिफिकेशन ऑफ द बॉडी एंड इट्स एलिमेंट इज इंपॉर्टेंट बिफोर द मेडिटेशन। तो यही मेन थीम है हठ योगा की, कि हायर प्रैक्टिस में जाने से पहले आपको अपने आप को प्योर करना पड़ेगा, प्योरिफिकेशन आपको अपने बॉडी की और उसके एलिमेंट्स की करनी पड़ेगी। चलिए थोड़े और इंट्रोडक्टरी पॉइंट पर हम आगे बढ़ते हैं। हठ योग प्रदीपिका, जैसे मैंने बताया हठ योग के डिफरेंट टेक्स्ट हैं, हमने हठ योग प्रदीपिका को अभी हम ले रहे हैं। हठ योग प्रदीपिका लिखी है योगी स्वात्माराम ने। हठ योग प्रदीपिका मतलब है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें, लाइट ऑन हठ योगा। प्रदीपिका का मतलब होता है सेल्फ इल्यूमिनेटिंग, या फिर एक ऐसी चीज जो आपको इल्यूमिनेट करे। अब पतंजलि की थोड़ा सा हम कंसेप्ट लेते हैं। पतंजलि कहते हैं, पतंजलि से हायर प्रैक्टिस आर डिफिकल्ट विदाउट फॉलोइंग यमा एंड नियमा। तो पतंजलि का जो अष्टांग मार्ग है उसमें यम एंड नियम पे काफी फोकस किया गया है। और पतंजलि कहते हैं जब तक पर्सन यम और नियम को अच्छे से ना साध ले, तब तक हायर प्रैक्टिस उसको उतना बेनिफिट नहीं दे पाएंगी। और जो स्वात्माराम थे उन्होंने डिफिकल्टी को समझ पाए वो, क्योंकि यम और नियम को फॉलो करना उतना आसान नहीं होता। स्वात्मारामा सॉ द प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आती है यम और नियम को फॉलो करने में, ये चीज स्वात्माराम समझ पाए थे। क्योंकि जो यम और नियम है दे आर मोर टू डू विद रिलीजन देन पर्सन स्पिरिचुअल लाइफ। तो ये यम और नियम थोड़ा रिलीजन आस्पेक्ट आता है, वो पर्सन की स्पिरिचुअल लाइफ पे इतना उससे उतना रिलेटेड नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे माने, जैसे यमा है, यमा में पांच क्लासिफिकेशन है। सबसे पहली क्लासिफिकेशन आपका सत्य, सत्य का मतलब है आपको ट्रूथफुल रहना है, आपको सत्य बोलना है। मान लीजिए एक ऐसा पर्सन है जो कहा जाए जो अच्छे कर्म नहीं करता, उसको अगर हम योगा करवाएं और यमा नियमा फॉलो करवाएं, तो उसको हम कहें कि आप सत्य बोलो, तो वो प्रैक्टिस के प्रैक्टिस जैसी है उसके अकॉर्डिंग सत्य बोलना तो चाहेगा, बट उसकी जो इनर सेल्फ है, जो उसका इनर नेचर है, वो वैसा नहीं है कि वो सच बोले। इसी वजह से उस पर्सन के अंदर वो डिवाइड हो जाएगा, एक डुअलिटी आ जाएगी, द्वैत पैदा हो जाएगा, कि क्योंकि वो पढ़ता आ रहा है, सुनता आ रहा है कि सच बोलना है, यम को फॉलो करना है, यम में भी सत्य को फॉलो करना है, बट उसके अंदर अभी ये है कि वो सत्य फॉलो नहीं कर पा रहा, इसी वजह से उसमें द्वैत आएगा, उसकी जो पर्सनालिटी है वो स्प्लिट हो जाएगी। तो यही दिक्कत है यम और नियम को फॉलो करने में, सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन को फॉलो करने में, कि ये आपकी पर्सनालिटी को स्प्लिट कर सकती है। स्वात्माराम ये कहते हैं कि अगर पर्सन को यम और नियम फॉलो करना, अगर यम और नियम फॉलो करना है, तो उसे फॉलो करने के लिए सर्टेन क्वालिटी ऑफ माइंड चाहिए। इसीलिए वो ये कहते हैं कि अगर ऐसे पर्सन को यम और नियम फॉलो करवाना है, पहले उस पर्सन को उसके शरीर से रूबरू करवाया जाए, उसकी जो ऊर्जाएं हैं उससे रूबरू करवाया जाए। जब वो अपनी ऊर्जाओं को समझ पाएगा, अपने शरीर को समझ पाएगा, उससे ज्यादा इजी हो जाएगा कि वो यम और नियम को फॉलो कर पाए। हैं स्वात्मनामा से सर्टेन क्वालिटी ऑफ माइंड इज नीडेड इन ऑर्डर टू परफॉर्म यमा एंड नियमा।
तो स्वात्मराम सिर्फ ये कहते हैं, या हठ योग जो है उसकी मेन थीम यही है कि आप पहले अपने शरीर को जानिए, उसकी ऊर्जाओं को जानिए और उसको प्योरीफाई कीजिए, उसके एलिमेंट्स को प्योरीफाई कीजिए, फिर आप हायर प्रैक्टिसेस की तरफ आप आगे बढ़िए। तो ये है अभी इंट्रोडक्शन हठ योग प्रदीपिका का। अभी धीरे धीरे हम और इसके और भी पार्ट्स हैं कि हम पूरे हठ योग प्रदीपिका को हम कंप्लीट कर पाएं, और इसी तरीके से वीडियो के माध्यम से हम टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। अगर आप भी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप योगा की फील्ड में हो और पेपर योगा में नेट का एग्जाम दे रहे हो, तो हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल पाए। अब हम इसका बाकी का जो टॉपिक है उसको हम सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे और सारे टॉपिक्स को वीडियो के माध्यम से हम खत्म करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आपका अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर दीजिए, हम जितना जल्दी हो सके हम रिप्लाई करेंगे। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहें, आप सब खुश रहें एंड धन्यवाद।